हेलो गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। तो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाउसिंग डेवल फाइनेंस के शेयर के बारे में। अगर आप इस शेयर को बाई करना चाहते हैं और आप कंफर्म नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और इसी तरह का एक वीडियो मैं प्रतिदिन लेकर आता हूँ जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, चैनल पर आते ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप प्ले लिस्ट में आइएगा। प्ले लिस्ट में आते ही आपको ये दो लिस्ट मिलेंगे। अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स को बाय एंड डिप्स करना चाहते हो तो गाइस आप फर्स्ट वाले लिस्ट में आए। यहाँ से जो शेयर मैंने आपके साथ क्लियर किया, आप खुद भी इस शेयर को कन्फर्म कर सकते हैं और शेयर को बाय करने के बाद अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड वाले शेयर को बाय करना चाहते हैं तो गाइस ये सेकंड वाले लिस्ट में आए। यहाँ जो मैंने शेयर आपके साथ क्लियर किया, आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं प्रतिदिन इस तरह का एक शेयर आपके साथ लेकर आता हूँ। अगर आपको शेयर कन्फर्म नहीं हो पाता, आप शेयर नहीं कन्फर्म कर पाते बाय करने के लिए गाइस, तो आप यहाँ से शेयर को कन्फर्म कर सकते हैं और शेयर को बाय करने के बाद अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आज के इस वीडियो में क्या क्या पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किया है। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ ये 6 पॉइंट्स क्लियर किया है। नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं, मैंने आपके साथ इसका इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग और जो HDFC का प्राइस अर्निंग है वो आपके साथ क्लियर किया है। और नंबर सेकंड में गाइस, मैं आपको HDFC का परफॉर्मेंस जो हो रहा है, 1 वीक का, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का और टोटली 1 ईयर का, मैं आपके साथ ये भी क्लियर किया हूँ इसका जो परफॉर्मेंस रहा है। नंबर थर्ड में हम देखेंगे इसका जो फाइनेंशियल नेट इनकम रहा है, जो क्वार्टरली 2020 का, मैं आपको चार्ट लगाकर क्लियर करूंगा कि इसका नेट इनकम क्या रहा है। और नंबर फोर में हम देखेंगे इसका जो परसेंटेज का शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास, FIA के पास, DI के पास और टोटल पब्लिक के पास कितने परसेंट तक का भी शेयर होल्डिंग है, हम इसमें ये भी क्लियर करेंगे। और नंबर फाइव में हम क्लियर करेंगे जो रियल चार्ट पे इसका टारगेट एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का आपके साथ मैं क्लियर करने वाला हूँ कि अगर ये अगर आप इस शेयर को यहाँ पे बाई करते हैं तो इसका टारगेट जो है कहाँ तक जा सकता है, और अगर यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन करता है, अगर बीच में से ही आपको यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल मिलता है तो ये किस सपोर्ट आने के बाद जो है वापस अपने सब टारगेट की तरफ जा सकता है। और नंबर सिक्स में हम गाइस बात करेंगे आपके साथ RSI और MACD की। रियल चार्ट में आपको क्लियर करने वाला हूँ RSI और MACD का इंडिकेटर लगा करके कि आप इस शेयर को बाई कर सकते हैं या नहीं, या फिर RSI जो और MACD जो आपको कंफर्म बाई का सिग्नल दे रहा है या नहीं। मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स काफी क्लियरली डिस्कस किया है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और आपके लाइक से गाइस हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो गाइस अगर इसके इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग यानी कि बात करें इसके प्राइस अर्निंग की, तो आप देख सकते हैं इसका इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग और जो 27.73 इसका इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग है, और जो HDFC का प्राइस अर्निंग है गाइस ये 38.31 है, आपको दिख रहा होगा 38.31 जो इसका इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग। तो गाइस एक तरह से इसका रेशियो निकल के आ रहा है आपको 24.6 सॉरी 59 पर का इसका जो प्राइस अर्निंग है HDFC का। तो गाइस आपको देख रहे हैं ये जो इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग से जो है ये HDFC का प्राइस अर्निंग जो है अभी आपको डाउन प्राइस पे, आपको ये सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। तो अगर आप इस शेयर को बाय करते हैं गाइस तो आपको ये सस्ते प्राइस में ही आपको मिल जाएगा, आपको कम भाव में ही आपको ये शेयर मिल रहा है, तो आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइस अगर इसके डिविडेंड की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जो डिविडेंड ये दे रहा है वो 0.90% यानी कि लगभग 1% तक आपको ये डिविडेंड दे रहा है। तो गाइस ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे रहा है, काफी अच्छा ये क्लियर आपको कर रहा है, ये 1% तक आपको डिविडेंड भी क्लियर करके दे रहा है। शेयर है आपको ये सस्ते प्राइस पे ही मिल रहा है गाइस। तो गाइज अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं इसने जो है 1 वीक में आपको 2.80% यानी कि लगभग 3% तक का आपको ये 1 वीक में प्रॉफिट दिया है, आपको परफॉर्मेंस क्लियर आपके साथ क्लियर किया है, ये 2.80% तक का आपको ये इसने परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराया गाइज 1 वीक में। तो गाइज अगर 1 मंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं 1 मंथ में जो इसने 3.08 यानी कि 3% तक का आपको इसने 1 मंथ में काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपके साथ इसने क्लियर किया है, काफी अच्छा इसने परफॉर्मेंस आपके साथ प्रोवाइड कराया। तो गाइज 1 मंथ में इसने काफी अच्छा क्लियर किया आपके साथ परफॉर्मेंस। तो गाइज अगर 3 मंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं 3 मंथ में जो ये -10.59% तक का इसने शेयर जो है थोड़ा ये डाउन में चला है। तो गाइज आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। अगर आप देख सकते हैं 6 मंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं 6 मंथ में इसने काफी अच्छा रिटर्न आपके साथ क्लियर किया है, 3 मंथ के अपेक्षा 6 मंथ में आप देख सकते हैं 10.59 यानी कि जितने परसेंट का इसने 3 मंथ में ये शेयर डाउन चला था गाइस उतने परसेंट का इसने वापस से 6 मंथ पे रिटर्न किया है 10.59% तक का। तो गाइस काफी अच्छा इसने परफॉर्मेंस आपके साथ 6 मंथ में क्लियर किया है। तो गाइस अगर 1 ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं 1 ईयर में 60.02% तक का शेयर इसने आपके साथ क्लियर किया है। तो गाइस अगर आप इसमें इन्वेस्ट किए होंगे 1 ईयर के लिए शेयर को, शेयर में 1 लाख रुपया, तो आप देख सकते हैं अगर आपको 1 ईयर बाद अगर आप इस शेयर को सेल किए होंगे तो आपको 1,60,000 रुपये तक का आपको गाइस प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये काफी अच्छा प्रॉफिट परफॉर्मेंस आपके साथ क्लियर कर रहा है गाइस
काफी अच्छा परफॉर्मेंस ये आपको दे रहा है। तो गाइज अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें तो आप देख सकते हैं मैंने हाउसिंग डेवल फाइनेंस का जो है चार्ट लगा रखा है, और मैंने क्वार्टरली का चार्ट लगा रखा है। गाइज मैं आपको इसका नेट इनकम क्लियर करूँ तो आप देख सकते हैं इसका जो नेट इनकम है Q1 2020 का जो नेट इनकम है 36 बिलियन। तो गाइज ये 36 बिलियन का इसने आपके साथ ये नेट इनकम Q1 2020 में आपके साथ ये प्रोवाइड कर रहा था, क्लियर कर रहा था आपके साथ। तो आप देख सकते हैं Q2 2020 का जो है 46 बिलियन। तो गाइज आप देख सकते हैं Q1 के पश्चात Q2 में इसने करीब 10 बिलियन तक का आपको ये प्रॉफिट क्लियर करके, नेट इनकम क्लियर करके आपके साथ ये आपको प्रोवाइड करा रहा है। जब देख सकते हैं यहाँ पे अगर Q2 के पीछे Q3 की बात करें तो आप देख सकते हैं Q3 2020 में इसने 51.77 यानी कि 51 बिलियन तक का इसने काफी अच्छा नेट इनकम आपके साथ क्लियर किया है। आप देख सकते हैं Q2 के पीछे Q3 में इसने आपके साथ काफी अच्छा नेट इनकम क्लियर किया है। अगर Q3 के पीछे Q4 की बात करें तो गाइस आप देख सकते हैं 33.50 यानी कि सॉरी 53.50 इसने आपको ये 53 बिलियन तक का आपको इसने Q4 2020 में काफी अच्छा नेट इनकम क्लियर कर रहा है। तो आप देख सकते हैं Q1 के पश्चात Q2 में, Q2 के पश्चात Q3 में और Q3 के पश्चात Q4 में इसने काफी अच्छा नेट इनकम आपके साथ क्लियर करके ये आपको दे रहा है। हर क्वार्टर में इसने अपने नेट इनकम को गाइस कुछ ना कुछ ये बढ़ाता चला आया है। आप देख सकते हैं इसके ग्राफ की बात करें तो आप देख सकते हैं Q1 का ग्राफ, ये Q2 का ग्राफ और ये Q3 2020 का ग्राफ और ये Q4 2020 का ग्राफ। आप देख सकते हैं Q1 के पीछे Q2 में और Q2 के पीछे Q3 में इसने हर हर समय अपने ग्राफ को, हर क्वार्टर में अपने ग्राफ को बढ़ाया है। और Q3 के पीछे गाइस आपको दिख रहा होगा Q4 में थोड़ा कम ग्राफ आपको इंक्रीज लग रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट इनकम आपके साथ क्लियर हो रहा है Q4 2020 में 53.50 यानी कि 53 बिलियन तक का इसने नेट इनकम आपके साथ क्लियर किया है। हर क्वार्टर में अपने नेट इनकम को बढ़ाता चला आया। तो गाइस यहाँ ग्राफ में आपको थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा होगा, लेकिन आपको सामने आपके सामने नेट इनकम मैंने काफी क्लियरली डिस्कस कर रखा है। गाइस अगर इसके शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं मैंने इसका शेयर होल्डिंग लगा रखा है और ये मैंने इसका समरी और ये इसका ट्रेंड लगा रखा है। आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास कोई डाटा आपको गाइस शो नहीं हो रहा होगा। देखिए अगले तो FIA के पास कितना शेयर है, तो आगे देख सकते हैं FIA जो है दिसंबर 2020 में 71.95% तक का शेयर होल्डिंग रखे हुए था गाइस, और मार्च 2021 की बात करें तो 72.78% तक का शेयर होल्डिंग रखे हुए। तो गाइस इसने दिसंबर के पश्चात मार्च में अपने शेयर होल्डिंग को बढ़ाया और अभी 72.78% तक का शेयर होल्डिंग रखे हुए है। तो गाइस अगर DII की बात करें तो आप देख सकते हैं DII के पास जो है दिसंबर 2020 में 17.33% तक का शेयर होल्डिंग था और अभी मार्च 2021 में 16.34% तक का शेयर होल्डिंग है। तो गाइस ये दिसंबर के पीछे आपने जो है मार्च में थोड़ा कम किया है, लेकिन फिर भी अभी ये 16.34% तक का शेयर होल्डिंग रखे हुए है। तो गाइस अगर एक बार पब्लिक की देखें तो पब्लिक के पास भी अभी है दिसंबर 2020 का बात करें तो 10.72% तक का शेयर होल्डिंग था और मार्च 2021 की बात करें तो 10.87% तक का शेयर होल्डिंग अभी रखे हुए है। तो गाइस अभी भी पब्लिक के पास 10% तक का शेयर होल्डिंग है। FIA के पास गाइस अभी 72% तक का शेयर है। आप देखिए समरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं समरी में 72% तक का शेयर FIA के पास, 16% तक का शेयर DII के पास और पब्लिक के पास जो है 10% तक का शेयर है। तो गाइज ये FIA जो है काफी इस शेयर पे ये बिलीव करके इस शेयर को होल्ड कर रखा है। आप गाइज इसके साथ आप भी चल सकते हैं, कुछ शेयर को आप भी बाय करने के साथ इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं और अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। गाइज प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने 1 डे कैंडल के साथ HDFC का चार्ट लगा रखा है और आप देख सकते हैं इसने आज का जो कैंडल यानी कि अभी का जो एक कैंडल बना रहा है वो बुलिश कैंडल और काफी बड़ा ये कैंडल आपको क्लियर करके दे रहा है। आप देख सकते हैं जो शेयर अभी 1.24% से जो है अप चल रहा है गाइस, ये अभी करीब 1% से जो शेयर है अभी आपको अप चल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं अगर इसी तरह ये आगे बढ़ता है तो इसके टारगेट्स काफी सारे बन रहे हैं और अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है तो इसके सपोर्ट्स काफी सारे बन रहे हैं, आप देख कर क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इसने लगभग लगभग अपने फर्स्ट सपोर्ट को अचीव कर लिया है। अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो आगे अपने सपोर्ट्स को अचीव जरूर करना चाहेगा गाइस। तो आप देख सकते हैं अगर ये आगे बढ़ता है टारगेट जो इसका बन रहा है गाइस वो 2559 पे इसका फर्स्ट टारगेट बन रहा है। अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है और आगे बढ़ता है तो आप इसका सेकंड टारगेट भी जान सकते हैं, जो इसका सेकंड टारगेट बन रहा है वो 2619 का बन रहा है। और अगर गाइस अगर इसको ये ब्रेकआउट करके आगे बढ़ता है तो इसका थर्ड टारगेट भी आपका जानना अधिकार है। आप देख सकते हैं जो इसका थर्ड टारगेट बन रहा है वो 2705 का बन रहा है। मैं आपको लास्ट टारगेट क्लियर करके दूं तो आप देख सकते हैं इसका जो लास्ट टारगेट बन रहा है वो 2893 का आपके सामने क्लियर होके ये आ रहा है।
तो गाइज आप देख सकते हैं कि इसने जो है फर्स्ट टारगेट पर जाने के बाद ही वापस से ट्रेंड रिवर्सल कर रहा था। तो अगर बाई चांस इसी तरह की यहाँ से फिर से ये ट्रेंड रिवर्सल करता है तो आप देख सकते हैं इसका सपोर्ट मैं आपको क्लियर कर दूं। फर्स्ट सपोर्ट इसका जो बन रहा है अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल करता है तो इसका फर्स्ट सपोर्ट जो बन रहा है वो 2432 का बन रहा है, और अगर ये इसको ब्रेक डाउन करके आगे बढ़ता है तो इसका सेकेंड सपोर्ट आप जान सकते हैं जो 2365 का बन रहा है। तो गाइस अगर इसके थर्ड टारगेट की बात सॉरी थर्ड सपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जो थर्ड सपोर्ट बन रहा है वो 2197 का बन रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसने करीब करीब सेकंड सपोर्ट आने के बाद वापस से बाउंस बैक करते हुए यानी कि ट्रेंड रिवर्सल करते हुए अप ट्रेंड बना रहा है, ये सेकंड सपोर्ट के नीचे नहीं जा रहा। तो गाइस आप देखकर कह सकते हैं कि ये जो शेयर है काफी डाउन चल रहा है, अब यहाँ से अप ट्रेंड यानी कि अपने टारगेट की तरफ बढ़ना ही चाहिए इसको, और गाइस आगे जाकर आपकी शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप इस शेयर को बाई करते हैं तो आपको अच्छे प्रॉफिट यानी कि अच्छे टारगेट पर ले जाकर के अच्छे प्रॉफिट आपको ये प्रोवाइड करा सकता है। तो गाइज अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं सिग्नल की आरएसआई की तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये देखिए मैंने आरएसआई का ये जो है इंडिकेटर लगा रखा है और ये मैं आपके सामने मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये जो आरएसआई है अभी आपको ये क्लियरली बाई का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। गाइज आपको ये लास्ट टाइम यहाँ पे बाई का सिग्नल प्रोवाइड किया था, बीच में आपको लगभग इसने सेल का सिग्नल देते हुए फिर से आपको बाई का ही ये सिग्नल आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइज अगर आप इस शेयर को बाई करना चाहते हैं तो आपको ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इस शेयर को बाई कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। आपको ये जो है आरएसआई आपको कंफर्म सिग्नल बाई का दे रहा है, अगर आप इस शेयर को बाई करते हैं तो अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइज अगर एक बार एमएसईडी भी कंफर्मेशन चाहते हैं तो गाइज देखिए मैंने एमएसईडी लगा रखा है और ये एमएसईडी का ग्राफ लगा हुआ है। गाइज आप देख सकते हैं एमएसईडी जो है 1 डे के कैंडल के साथ आपको ये बाई का ही सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, जैसा कि आपको आरएसआई आपको बाई का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा था, एमएसईडी आपको क्लियरली बाई का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। आप देख सकते हैं एमएसईडी को भी देख कर कह सकते हैं, और ये जो कैंडल स्टिक है आप इसको भी देखकर कह सकते हैं कि ये जो शेयर है काफी डाउन चल रहा है, तो अब यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्सल होगा और ये शेयर बाउंस बैक करते हुए आपको ये अपने टारगेट की तरफ अचीव जरूर करेगा। गाइस तो ये काफी अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी है, आप इस शेयर को बाई करते हैं तो अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइस आपको पता है कि एमएसईडी अगर लेट सिग्नल देता है, अगर आप 1 डे में कंफर्मेशन नहीं क्लियर कर पाते, तो आप देख सकते हैं मैंने आपके साथ 4 आवर में भी इसका कंफर्मेशन क्लियर किया है। आप देख सकते हैं 4 आवर में जो है ये आपको क्लियरली बाई का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है और काफी अच्छे कैंडल्स के साथ आपको ये बाई का सिग्नल दे रहा है। तो गाइज अगर आप इस शेयर को बाई करते हैं तो अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स गाइज, हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि गाइज हमारे जो नए अपडेट्स आते रहते हैं, मैं नए जो वीडियोज आपके लिए लेकर लगाता रहता हूँ वो आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।